नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक ने आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो हमने स्टार्ट की थी उसका अंतिम चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। तो हमने इसकी शुरुआत की है कि आपको कहा है कि हम आपके लिए प्रत्येक कॉम्प्लेक्स का प्रत्येक टॉपिक आप तक पहुँचाएंगे। हमने पहले कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंशिएशन पढ़ लिया था, सम्मिश्र अवकलन के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में आने लायक, वो सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। आज हम एक लास्ट टॉपिक इस कॉम्प्लेक्स का, फिर इसके बाद हमारी कॉम्प्लेक्स पूरी हो जाएंगी। लगभग 8-9 वीडियोज़ इसके बनने वाले हैं तो वो सारे वीडियोज़ आपको देखने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये क्लास छोड़ दी तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले यही क्लास आपका आधार है इस कन्फॉर्मल को समझने के लिए, कन्फॉर्मल मैपिंग को समझने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, कन्फॉर्मल मैपिंग। टॉपिक का नाम है हमारा कन्फॉर्मल मैपिंग, अनुकोण प्रतिचित्रण। ठीक है, अनुकोण प्रतिचित्रण। अब सबसे पहले हमें समझना होगा, अनुकोण प्रतिचित्रण समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मैपिंग यानी प्रतिचित्रण होता क्या है। सबसे पहला टॉपिक यही है, मैपिंग होती क्या है। मैपिंग कह दें या इसे आपकी बुक में ट्रांसफॉर्मिंग ऐसा कुछ नाम दे रखा है, रैखिक प्रतिचित्रण, इस प्रकार से आप चीजें लिख सकते हैं, इसे कोई बात नहीं। ठीक है, मैपिंग या ट्रांसफॉर्मिंग होती क्या है, सबसे पहले हम यही क्लियर करते हैं। अब आपको मैं चीजें समझा देता हूं कि क्या होती है। आप बुक साथ में रखें, बुक ओपन करके रखें, वहां से आप सारी चीजें डेफिनेशन क्लियर कर लीजिएगा। मैं ये चीज आपको समझा देता हूं कि होती क्या है, तो आप डेफिनेशन अपने आप बना लेंगे। चीज समझिए पहले, आपको पता होगा कि वाई बराबर एफ एक्स फलन है कोई रियल नंबर का। इस चीज को समझिए दोस्तों, ये चीज समझ गए तो आप निश्चित रूप से आगे सारे टॉपिक क्लियर कर पाएंगे। वाई बराबर एफ एक्स रियल नंबर का कोई फंक्शन है। मान लीजिए अगर मैं यहां पर कुछ वैल्यूज रखूंगा, एक्स की वैल्यू रखी, एक्स की वैल्यू जीरो रखी, तो वाई की वैल्यू मान लीजिए जीरो आ गई, एक्स की वैल्यू वन रखी तो वाई की वैल्यू वन आ गई। इस प्रकार हम वैल्यूज रखते हैं जो रियल नंबर होती है उसमें, इस प्रकार अब हमने वैल्यूज रखी तो इससे हम कुछ एक आलेख अरेखित करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, कोई वक्र बनेगा। मान लीजिए वो वक्र ऐसा बना है मेरे पास 0.0, तो यहां पर एक तो लाइन तो ये हो गई और दूसरा वाई यहां पर, ये एक्स ये वन है, ये पॉइंट भी मेरा वन है, यहां पर ये वाई है। तो मान लीजिए इस प्रकार का कोई मेरे पास वक्र बना है, किसी प्रकार का बन सकता है, मान लीजिए ये ऐसा बन गया, कोई बात नहीं। तो जो ये वक्र बने हैं हम पढ़ते आए हैं, इससे हम y बराबर एफ एक्स करते हैं, तो इसी में अगर रियल नंबर है, ये इस प्रकार का फंक्शन है, तो केवल मात्र ये एक प्लेन के अंदर बना है। देख लीजिए एक ही समतल है, x और y एक ही प्लेन है, इसी के अंदर बना है। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, एक दो बार वीडियो को जरूर देखिएगा, सारी चीजें क्लियर होगी। तो ये एक ही प्लेन के अंदर बना है, यानी अगर कोई रियल नंबर का फंक्शन है तो वो एक ही प्लेन के अंदर बनेगा और इन दोनों पॉइंटों के मध्य संगति स्थापित हो जाएगी, क्रॉसपोंडिंग संगति स्थापित हो जाएगी, तो यहां पर इस प्रकार की वैल्यू आएगी। ये होती है रियल नंबर में। लेकिन अगर मैं बात करूं एफ जेड आ जाए, यहां पर जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, ये जेड है एक्स प्लस और वाई का फलन, तो क्या यहां पर इस प्रकार का चीजें बनेंगी? नहीं बनेंगी, क्योंकि यहां पर जड़ के अंदर x प्लस आयोटा वाई है, ये y बराबर y और x के फलन थे, लेकिन ये जड़ x और y दोनों का है, दो फलन है। यहां पर देखिए दो वैल्यूज यहां पर आती हैं, तो दो प्लेन की आवश्यकता पड़ेगी। वो कैसे? हमने पढ़ा है कि w बराबर एफ जड़ होता है। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए, दो में बनेगी। यहां पर तो रियल नंबर थी, तो क्योंकि y और x के अलग अलग फलन है, ये y है x का फलन है, लेकिन z है वो देख लीजिए x और y दोनों का फलन है, इसलिए इसमें कितने प्लेन की आवश्यकता होगी? ये ग्राफ है जो यहां पर ऐसा बना है, इसमें दो ग्राफ बनाने पड़ते हैं। और वो कैसे? w बराबर fz होता है, z यहां पर किसका फलन है? x और y का।
जेड एक्स और वाई का है, लेकिन हमने डब्ल्यू बराबर यू प्लस आयोटा वी के बारे में भी पढ़ा है। हम पढ़ते हैं यू और प्लस आयोटा वी डब्ल्यू बराबर होता है और ये फंक्शन एफ जेड के इक्वल होता है। और यू और वी किसके फंक्शन होते हैं? एक्स और वाई के। और वी किसका होता है? इसी प्रकार एक्स और वाई का फंक्शन। तो अब यहां से देखिए, मैं यहां पर जेड की वैल्यू में एक्स और वाई की वैल्यू रखूंगा। देखिए यू एक्स और वाई के फलन है, यू यू एक्स वाई का है, वी भी एक्स वाई का है। अब ध्यान से सुनिए, मैपिंग समझा रहा हूं मैं क्या होती है। अगर मैं यहां पर जेड के वैल्यूज रखूंगा इसके डोमेन डी से, अगर मैं इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू रखूंगा, सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यू आई, एक तो ग्राफ वो बना, यहां से जेड समतल में और डब्ल्यू समतल में अगर मैंने एक्स और वाई की इसमें वैल्यू रखी तो यू व वी के वैल्यू भी मुझे मिलेंगे। तो दो प्लेन हो गए, जेड समतल से, जेड समतल के डोमेन डी से एक्स और वाई की वैल्यू रखने पर हमें डब्ल्यू समतल के यू और वी की वैल्यू प्राप्त होंगी। तो ऐसा ही रूपांतरण, ऐसी ही रूपांतरण करना क्या कहलाता है? हमारा मैपिंग कहलाती है या प्रतिचित्रण कहलाता है। यही चीजें आपको समझनी है। दोबारा सुन लीजिए क्या है। अगर y बराबर एफ एक्स कोई रियल फलन है तो उसमें तो एक मेरा वक्र बनेगा, एक वक्र बना है, लेकिन अगर यह कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाता है, सम्मिश्र फलन हो जाता है, एफ जेड के रूप में हो जाता है, एफ जेड है, तो इसमें जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई दो का फलन हुआ, एक्स और वाई का फलन है, तो इस प्रकार इसमें दो प्लेन बनेंगे। दो प्लेन किस प्रकार बने? यहां पर देखिए, एक तो W बराबर एफ जेड होता है, तो Z बराबर X प्लस आयोटा वाई, और यहां पर एक U और V, यानी अगर मैं Z में X और Y की वैल्यू रखूंगा, ये ध्यान से सुनिए, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा किस प्रकार। तो ये क्लास आप लगातार देखते रहिए कि Z बराबर मैंने Z की वैल्यूज रखी U वाले इस W वाले फंक्शन में, तो W से यहां से U और V की वैल्यू प्राप्त होगी, यहां से जो आलेख बनेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? मैपिंग कहेंगे। अब सुनिए, इसका एग्जांपल मैं आपको कराता हूं, जो आपकी बुक में देर का है, एक अच्छा सा एग्जांपल है, वो एग्जांपल मैं आपको कराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बुक में एक बेस्ट एग्जांपल देर का है, क्या है? रूपांतरण हमें दे दिया डब्ल्यू बराबर जेड प्लस वन माइनस आयोटा, यह हमें क्वेश्चन में देर का है। और कहां है देखिए के अंतर्गत जड समतल में जड प्लेन के अंदर हमें दे दिया पॉइंट एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, एक्स बराबर वन और वाई बराबर वन है, वाई बराबर टू है, सॉरी वाई बराबर टू है, से परिसीमित यह चीज समझ गए तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आयतीय क्षेत्र या इंग्लिश में लिख लीजिए, कोई बात नहीं, से डी का डब्लू सम डब्लू, या इसे ओमेगा भी कह सकते हैं, या डब्लू समतल कह दे, कोई बात नहीं, अलग अलग जगह आप अलग अलग यूज करेंगे, जो भी अलग टीचर पढ़ाएंगे तो इसे कुछ ही कहेंगे, मैं इसे कुछ कह रहा हूं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चीज समझनी है वो समझिए, क्षेत्र डी डैश निर्धारित कीजिए, ध्यान से देखिएगा। आप ध्यान से देखिए, W बराबर हमें दे रखा है Z प्लस वन माइनस आयोटा। हमें एक तो देखिए आयतीय क्षेत्र D, यहां से Z प्लेन दो प्लेन बनेंगे, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं। एक प्लेन तो देखिए ये बना मेरा, ये है Z प्लेन, जेड प्लेन में तो साधारण एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, लेकिन जो डब्ल्यू समतल है या ओमेगा समतल है उसमें यू व वी की वैल्यू आएगी। तो यहां पर जेड प्लेन में तो ये वैल्यू आएंगी, ये एक्स हो, ये हो गया, इसे डी समतल के नाम से देर का है, बुक में जैसा प्रश्न देर का है। अब यहां से देखिए, वाई बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो, तो यह एक तो पॉइंट यही हो गया, ठीक है, एक्स बराबर वन ये रहा, एक्स बराबर वन रहा, और वाई बराबर टू, यहां पर लगभग y बराबर टू है, तो जो ये हम इसे मैच करेंगे, इसे मिलाएंगे, तो ये मेरा एक आयत का क्षेत्र बन गया। अब इसके संगत x और y की वैल्यू रखकर हमें एक और समतल प्लेन क्रिएट करना है जो इसका रूपांतरण कहलाएगा, जड प्लेन का रूपांतरण करना है। तो इसमें हमें w प्लेन
एक और प्लेन होगा, इसमें हमें प्रेरित करना है, यहां पर क्या होगा U होगा, यहां पर V होगा, इनकी वैल्यूज के मध्य इसका दर्शाना है कि कैसा आएगा, वो चीज हमें दर्शानी है, वो कैसे आएगी। यहां पर देखिए W बराबर X प्लस आयोटा Y प्लस 1 माइनस आयोटा, दोनों को रखिए, रियल नंबर को एक जगह X प्लस 1 प्लस आयोटा कॉमन निकाला, y माइनस 1, तो ये क्या हुआ u हो गया, ये v हो गया। अब हमें x की वैल्यू रखनी है, ये वाली वैल्यू, और u की वैल्यू आएगी, और फिर हमें आलेख क्रिएट करना है। तो देखिए किस प्रकार, x की वैल्यू सबसे पहले अगर मैं 0 रखूं, x की वैल्यू मैंने 0 रखी, u बराबर क्या है x प्लस 1 है, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो u बराबर 1 वैल्यू तो मेरे पास 1 आ गई। इसी प्रकार अगर मैंने इसमें v की वैल्यू निकालनी है, मुझे v में y 0 रखा तो मेरे पास v की वैल्यू माइनस 1 आ गई। दूसरी वैल्यू मैं रखूंगा x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर, तो u की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू यहां पर देखिए 1 रखेंगे तो 2 आएगी, और v की वैल्यू देखिए यहां पर 2 रखनी है, 2 में से 1 घटाएंगे तो v की वैल्यू 1 आएगी। अब ये वैल्यू यहां से रखकर हमें बस कुछ नहीं करना, यहां पर जो प्लेन क्रिएट कर देना है, कैसा बनेगा ये सुनिए, u बराबर 1 और v बराबर माइनस 1, तो ये वाली u की वैल्यू है और ये v की, और नीचे क्या होगी माइनस की वैल्यू होगी, ये तो इधर u की होगी, ठीक है, ये इधर v की होगी, ये माइनस v की होगी। यहां पर देखिए सबसे पहले u बराबर 1, ये रहा u बराबर 1, आगे 2 मान लीजिए, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, u बराबर 1 है, v बराबर माइनस 1 है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू यहां पर है, ठीक है, u बराबर 2 है और v बराबर 1 है, तो यहां से दोस्तों u बराबर 2 हो गया, तो यहां पर जो वैल्यू, यहां से देखिएगा क्या वैल्यू क्रिएट होगी, बराबर क्या है 1 है, तो u बराबर 1 हो गया और एक u बराबर 2 हो गया, और v बराबर एक देखिए यहां से यहां तक फैला गए, और यहां से ये भी यहां तक, और v बराबर 1 है तो ये वैल्यू यहां तक, तो किस प्रकार कुछ ऐसा डायग्राम यहां पर ये क्रिएट हो जाएगा, u बराबर 1 है, u बराबर 2 है, v बराबर माइनस 1 है और v बराबर 1 है। तो ऐसा ही देखिए यहां पर इसके सापेक्ष भी w समतल में क्या हुआ है, आयतीय क्षेत्र बना है, यहां पर हमने d वाला जड़ प्लेन के अंदर भी आयत बना और यहां पर भी आयत बना, तो इसका रूपांतरण क्या हुआ, जड़ का w रूपांतरण हमने किया w समतल में, तो वो भी एक आयत के रूप में होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमें करने हैं, मैपिंग इस प्रकार करनी है। इसके बाद जो टॉपिक होगा हमारा कन्फॉर्मल मैपिंग का, उसके बारे में हम मैं वीडियो लेकर आऊंगा, तो सारी चीजें मैं एक एक करके आपको वीडियो बनाऊंगा, प्रत्येक टॉपिक की आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सारे वीडियोस लगातार देखने होंगे, एक दो बार जरूर वीडियो को देखिएगा, ये टॉपिक समझ नहीं आया है तो एक बार जरूर और देखिएगा इस वीडियो को, तब आप जाकर ये क्लियर कर पाएंगे कि इस चीज में क्या था, इसमें क्या नहीं था, तो ये सारी चीजें आपको मैपिंग तभी समझ में आएंगी। अब देखिए अगर डी में एक एक पॉइंट हो, जो जड़ प्लेन है इसके अंदर एक पॉइंट हो, तो इसे हम एक एक की रूपांतरण कहते हैं, बस 1-1 कोरस्पोंडिंग, 1-1 ट्रांसफॉर्मिंग, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये टॉपिक क्लियर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमें सारी चीजें क्लियर होंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने एक नया टॉपिक शुरुआत किया है कन्फॉर्मल मैपिंग का, जो यूट्यूब पर नहीं है। अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रही है तो वीडियोज को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने तमाम मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं इसी तरह के और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।